नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल, और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की जो सेमीफाइनल लगातार जो है टारगेट वो लगातार आ रहा है। दरअसल इन विधानसभा चुनावों को लेकर के सरकार अब मजबूती से आगे बढ़ रही है, और साथ ही जितने भी विपक्षी टारगेट करने की उन्हें कोशिश कर रही है, घेरने की कोशिश कर रही है, वो एक एक करके अब उनमें खत्म करने के लिए सरकार अब दमखम झोंकने को तैयार है। मैं आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और साथ ही इन विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर भी लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ेगा। अब यही वजह है कि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। कहीं बैठकों का दौर जारी है तो कहीं विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, ताबड़तोड़ सरकार को घेरने की कोशिश है। पूर्वोत्तर को संभालने का जिम्मा उठाते हुए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा एक और विजय संकल्प रैली के जरिए जनता से रूबरू हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल भी बनाया जा रहा है। आज अमरपुर में जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार ने त्रिपुरा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। इससे पहले यहां भ्रष्टाचार था और साथ ही भ्रष्टाचारी सरकार थे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की सत्ता संभाली है, तब से जहां जहां डबल इंजन की सरकार है और पूरे देश में आप देखिए विकास की जो लहर है वो बह रही है। त्रिपुरा काफी विकास कर चुका है, ऐसा आज जेपी नड्डा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि घुटने टेकने वाला भारत था पहले, फैसला नहीं ले पाने वाला भारत था पहले, भ्रष्टाचार करने वाले देशों में शुमार था भारत, लेकिन अब यानी कि तकरीबन 9 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल के बाद अब जो देश है वो आकांक्षाओं का देश है, और साथ ही देश अपने आप को स्थापित करने की दिशा में लग चुका है, देश आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में आज हम बातचीत करेंगे त्रिपुरा को लेकर के। नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव है, 3 बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव है। त्रिपुरा से शुरुआत हो रही है आज विजय संकल्प रैली, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वहां पहुंचे और उन्होंने हरी झंडी दिखाई है, लोगों को संबोधित किया है, और ऐसे में बीजेपी वहां खुद सत्ता में काबिज है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है वहां बन रही है। टीपरा माधा जो नई पार्टी है आदिवासियों की, वो कहीं ना कहीं टक्कर देती नजर आ रही है भाजपा को। तो क्या होगा इस बार, एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो पाएगी क्या बीजेपी त्रिपुरा में? आज हम बातचीत करेंगे कि क्या है समीकरण 9 राज्यों का, तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक समीकरण 9 राज्यों के चुनाव का समझिए, 2024 का समझिए, 9 राज्य कितने महत्वपूर्ण है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो जरा समझिए, त्रिपुरा का समीकरण समझिए, उसके बाद वापस डिबेट में। मिशन 2023 जिसमें लगभग 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके लिए चुनावी चौसर बिक चुकी है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने जीत की इबारत के लिए अपनी कमर कस ली है। विपक्ष जहां एकजुट हो रहा है तो बीजेपी खुद को मिशन 2024 के लिए तैयार कर रही है और एक बार फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है। बीजेपी को ये पता है कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने की राह इन 9 राज्यों में चुनाव जीत कर ही गुजरेगी, यही वजह है कि बीजेपी एक्टिव हो गई है। बीजेपी संगठन के स्तर पर खामियों, गठबंधन की गांठ को दुरुस्त करने के साथ ही रणनीतिक स्तर पर भी काम कर रही है। 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी को और मजबूत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा में है। यहाँ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और जनता से रैलियों के जरिए रूबरू हो रहे हैं। त्रिपुरा के अमरपुर में जेपी नड्डा ने विजय संकल्प रैली के जरिए प्रचार प्रसार किया। इस रैली में बीजेपी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने बीजेपी की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर विकास की एक लंबी छलांग देश लगा सकता है तो उसमें त्रिपुरा पी
पीछे कैसे रह सकता है, त्रिपुरा को भी आगे आना पड़ेगा। और त्रिपुरा ने 5 साल में अपने आप में साबित किया है, विप्लव देव ने और मानिक शाह जी ने यह साबित किया है कि आज ये त्रिपुरा पुराना त्रिपुरा नहीं है, ये नया आकांक्षाओं के साथ खड़ा त्रिपुरा है। एक और बीजेपी इस साल होने वाले चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तो वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। 2022 में दिल्ली और हिमाचल की हार से बीजेपी ने सबक लिया और अभी से जनता को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दी है। आज विजय संकल्प रैली के जरिए जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। 5 साल पहले यहाँ खून खराबा, यहाँ बंद, यहाँ स्ट्राइक, यहाँ इंसर्जेंसी, बताइए थी कि नहीं थी? टेररिज्म था कि नहीं था? गोलियां चलती थी कि नहीं चलती थी? लॉ एंड ऑर्डर समाप्त था कि नहीं था? आपको जानकर खुशी होगी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट त्रिपुरा के साथ बाकायदा भारत सरकार के समझौते के माध्यम से एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 88 इंसर्जेंट्स ने, उनके काडर ने सरेंडर किया और 44 वेपन्स वो भी सरेंडर किए गए और आज त्रिपुरा शांतिमय त्रिपुरा हो गया, विकास युक्त त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 5 सीटें सहयोगी IPFT के लिए छोड़ी है। वहीं बात अगर 2018 की करें तो बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में त्रिपुरा में शानदार जीत दर्ज की थी। हालांकि इस साल त्रिपुरा की गद्दी किसे मिलेगी और जनता किसे सरकार बनाने का मौका देती है, इसकी तस्वीर इस साल के चुनाव में साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आपने हमारी रिपोर्ट देखी तो क्या विकास की लहर, जिस तरह से जेपी नड्डा अपने भाषण में संबोधित कर रहे थे त्रिपुरा के लोगों को, क्या एक बार फिर से त्रिपुरा के लोग विश्वास जता पाएंगे बीजेपी पर, या फिर जैसा कि मैंने कहा एंटी इनकम्बेंसी वहां बन रही है और साथ ही आदिवासी जो पार्टी एक बार निकलकर सामने आ रहा है टीपरा माथा, क्या ये भारी पड़ जाएगा वहां पर सत्ता में काबिज बीजेपी पर, कांग्रेस और वाम दल के गठबंधन पर या फिर तृणमूल कांग्रेस पर, ये बहुत बड़ी बात होगी। आज हम चर्चा में अपने साथ शरीक करेंगे, त्रिपुरा की राजनीति को समझेंगे। हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य होंगी, प्रवक्ता कांग्रेस की, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। डेविड देव वर्मा है, नेता है बीजेपी के, त्रिपुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत आपका। संजय मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, त्रिपुरा से हैं ये भी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो डिबेट में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे साथ डेविड देव वर्मा है, नेता है बीजेपी के, त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, सुबह से ही उनकी विजय संकल्प रैली को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और ऐसे में कह रहे हैं कि विकास की बयार बही है प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद और डबल इंजन की सरकार होने के बाद। लेकिन इन सब में एक बड़ा सवाल ये है कि फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए जितनी चुनौतियां हैं आपके सामने, बीजेपी के सामने, उससे लड़ेंगे कैसे? सबसे बड़ी चुनौती है आदिवासी पार्टी, जो कि एक बार जो आपके यहाँ त्रिपुरा राज परिवार के वंशज प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मन की नवगठित पार्टी है जिसका नाम टीपरा मोथा है, इससे कैसे लड़ेंगे? नमस्कार। 20 सीटों पर सीधा प्रभाव डालेगा। सभी न्यूज इंडिया के दर्शकों को भाजपा के ऑन बिहाफ ऑफ द जनजाति मोर्चा त्रिपुरा प्रदेश, आपने काफी अच्छा सवाल पूछा। देखिए 2018 में चुनाव भाजपा का, यू नो, चुनाव में हम लोग ने जिस तरह से लहर देखा और 2018 में सरकार बनाने के बाद इस प्रदेश में जिस तरह से विकास हुआ है, इस विकास के पहले देखिए आपने एक बार पूछा कि कैसे लड़ेंगे, कोई चुनौती है कि नहीं। मैं देखो ग्रास रूट का मैं हूँ, मैं मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ, मैं जनजाति मोर्चा से हूँ और मैं इंडिजिनस कम्युनिटी से आता हूँ, मुझे कोई ऐसा कोई चुनौती नजर नहीं आ रहा मेरे सामने। देखिए भाजपा सातों सीट में जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सरकार बनाएंगे,
थोड़ा आप पूछ रहे थे कि इन तिपरा माथे से कैसे लड़ेंगे। आपने देखा होगा इन दिनों कि भारतीय जनता पार्टी का जितना हमारा सेंट्रल लीडर, स्टेट लीडर, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी भी आए हैं हमारे प्रदेश में, और उन्होंने आज विजय संकल्प जनसभा का झंडा लहराया है, और उस झंडा से राष्ट्रीय अध्यक्ष का झंडा लहराने का एक विशेष मैसेज पूरा प्रदेश पे गया है, और सभी युवा कार्यकर्ता और जनजाति कार्यकर्ता इज वेरी एंथुजियास्टिक। आपको नहीं लगता आपको नहीं लगता कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रही है, हल्के में लेने की कोशिश कर रही है? नहीं नहीं, हम किसी को हल्के में नहीं लेते, हम सोचते भी नहीं, हम लोग हल्के लेना नहीं लेना हमारा विषय भी नहीं है, हमारा पार्टी का नियम भी नहीं है, हम किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन ही है सबके साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस विषय हम लोग इसमें हल्का लेना नहीं लेना का कोई है ही नहीं। इन लोग ने एडीसी में इलेक्शन लड़ रहा, फिर हम लोग अभी दे आर फाइटिंग एलोन, वी आर फाइटिंग विद आईपीएफटी जो हमारा गठबंधन सरकार जिसके साथ हम लोग का गठबंधन है। 2017 चुनाव में समर्थन दे दिया, अगर टीएमसी ने समर्थन दे दिया टीपरा मोथा को फिर क्या होगा? देखिए टीएमसी का यहाँ कोई बहस नहीं है, दे आर जस्ट शो ऑफ, जो एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, कोई चुनाव में एक पार्टी चाहिए होता जो एंटरटेन करे लोगों को, कार्यकर्ता लोगों को। टीएमसी को मैं मानता हूँ जितना हद तक वो एक एंटरटेनमेंट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है इस प्रदेश में, उसका कोई वजह नहीं है। चुनाव में भी टीएमसी को बड़े हल्के में लिया था जबकि रूलिंग पार्टी थी, आप लोगों ने कहा था ठीक है बंगाल में, बंगाल वो बंगाल है ठीक है, हम लोग बंगाल में जीरो से बहुत मात्रा में गया है ठीक है, दैट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस एवर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारता मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए एक परसेंटेज से इतना लेवल तक, हाई लेवल तक परसेंटेज जाना इज द बिगेस्ट पार्टनर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। अगले चुनाव में बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाएगा ये मेरा विश्वास है, और सिर्फ मेरा नहीं इस पूरा प्रदेश का, पूरा देश का कार्यकर्ता का विश्वास है। आप बोल रहे कि टीएमसी के साथ जोड़ जाएंगे तिपरा मोटा, ये उन लोग का विषय है किसके साथ जोड़े ना जोड़े, जिसी के साथ भी जोड़े भारतीय जनता पार्टी को। मैं कह रही हूं अगर जुड़ जाते हैं तो इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे आप? देवबर्मन जी, डेविड देवबर्मन जी, मैं आपको पहले बताया पार्टी किसी के साथ भी जोड़ जाए भाजपा को टक्कर देने लायक इस प्रदेश में कोई भी पार्टी ऐसा पैदा नहीं हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। हम ही सरकार बनाएंगे, भाजपा का कार्यकर्ता आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एंथुजियास्टिक, और टीएमसी मैंने आपको पहले बोल दिया टीएमसी का कोई वजूद नहीं है, और जिस तरह से एडीसी बेल्ट का बात चल रहा है 20 एसटी रिजर्वेशन का, 20 एसटी रिजर्वेशन में भी हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा सीट में हम लोग जीत के आएंगे। ठीक है, प्रियंका राणा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रियंका राणा, उसके बाद में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजय मिश्रा हैं, उनके पास आऊंगी। प्रियंका राणा, आप त्रिपुरा के चुनाव को कैसे देखती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बीजेपी है दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन है, वाम पंथ के साथ उनका गठबंधन है, तीसरी तरफ टीएमसी है, चौथी तरफ तिपरा मोथा इस बार क्योंकि रूलिंग पार्टी है भाजपा त्रिपुरा में। नॉर्थ ईस्ट का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, हालांकि सीटें बड़ी कम हैं, 60-60 सीटों की लड़ाई है, लेकिन फिर भी आप देखिए इंटरनल इंसर्जेंसी की बात कीजिए, आंतरिक सुरक्षा हो या फिर जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां हावी हो जाती हैं, इन सबको नकारना बड़ा ही मुझको लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा सबको लेकर। अब देवबर्मन जी सबको साथ लेकर, सबका साथ सबके विकास की तो बात कर रहे हैं, लेकिन भूल रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियाँ हमेशा हावी रहती और डोमिनेट करती। जी बिल्कुल प्रीति, और देखिए बीजेपी जब आई थी 25 साल का उन्होंने जो मानिक सरकार का किला ध्वस्त किया था, तब बीजेपी दूसरे के कंधे पर आई थी और ऐसा नहीं था कि अपने बलबूते पर आई थी, और इसी वजह से अगर आपने देखा हो तो उन्होंने धीरे धीरे करके वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया था, सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद अगर आप अभी के हालात देखें, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, क्या महंगाई वहाँ पर नहीं है, क्या बेरोजगारी वहाँ पर नहीं है, क्या कोविड का इफेक्ट वहाँ पर नहीं है, लोग परेशान नहीं होंगे, लेकिन अभी जो आपने ट्राइबल फैक्टर, वो वहाँ का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ट्राइबल फैक्टर है, और उसके बलबूते पे कई सरकारें बनी हैं और कई गिरी भी हैं। प्रद्युत देव जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं, एक रॉयल फैमिली से आते हैं, उनके जो फादर थे और उनकी जो मदर हैं दोनों ही सांसद रह चुके हैं, और उनकी बहुत लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि रॉयल फैमिली से आते हैं, एक साख है, तो उनसे एक जबरदस्त टक्कर है जिसको अभी नकार रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर त्रिपुरा में नकारा नहीं जा सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग टक्कर भी देने वाले हैं।
दूसरा कांग्रेस और सीपीएम का जो वहाँ पर सीट के ऊपर जो अरेंजमेंट हुआ है अभी, हालांकि उन्होंने 13 सीट कही थी लेकिन कांग्रेस ने अपने 17 कैंडिडेट वहाँ पर डाले हैं, तो वो भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं और किस तरह से उनका जो गठबंधन है वो काम करेगा। ठीक है, संजय मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ, एक बार आपके पास चलते हैं। पत्रकार के लिहाज से पत्रकारों का जो चश्मा होता है, भले ही उनकी उसकी जो फ्रेम है थोड़ी मोटी हो, लेंस थोड़ी मोटी हो, फ्रेम थोड़ी मोटी होती है, लेकिन वो बहुत दूरदर्शी होते हैं। हम पत्रकार मोटे मोटे चश्मे से भी बहुत दूर तक देख लेते हैं। क्या देख पा रहे हैं इस बार त्रिपुरा में क्या होगा? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। त्रिपुरा में 2018 में बीजेपी की जीत हुई थी और ऐतिहासिक जीत हुई थी, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और जमीन की स्थिति, हम लोग स्टूडियो में बैठ करके चाहे जो भी बात करें, लेकिन ग्राउंड की जो वास्तविकता है वो अभी भी भाजपा के पक्ष में। और रही बात की त्रिपुरा मोथा एंटी इनकम्बेंसी की, प्रियंका जी बात कर रही थी, त्रिपुरा ऐसा स्टेट है जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। और त्रिपुरा मोथा का उदय अभी हाल में हुआ है, 2 वर्ष पहले हुआ है। और रही बात बीजेपी के ग्राफ की, तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 2018 में बीजेपी का जो वोट बैंक था लगभग 47% के आसपास था, जो कि सीपीएम के वोट बैंक से 1% का ज्यादा। उसके बाद 2019 में जब चुनाव होता है, बीजेपी का वोट परसेंट लगभग 50% के ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद जब निचले स्तर पे पंचायतों के चुनाव होते हैं, बीजेपी की विक्ट्री मार्जिन लगभग 99.5% जाती है। उसके बाद मार्च सर एडीसी के इलेक्शंस के अंदर बीजेपी हारी है, 2022 में बता रहा हूं, एडीसी के इलेक्शन में कोई बीजेपी नहीं हारा है। तो बीजेपी का विनिंग स्ट्राइक रेट जो था 98.5 का था, अपोजिशन को मात्र 1 सीट मिली थी टीएमसी को, उसका भी उम्मीदवार बीजेपी में चला गया है। तो जो लोकतंत्र में जो चुनाव का पैमाना होता है, अच्छा एक बात बताइए आप संजय मिश्रा जी, मुझको लगता है कि आप त्रिपुरा को बहुत अच्छे से जानते हैं। बंगाल से लगा हुआ राज्य है और आधी से ज्यादा जो युवा है त्रिपुरा के नौकरी करने कोलकाता जाते हैं, पढ़ाई करने कोलकाता जाते हैं, फैशन डिजाइनिंग करने कोलकाता जाते हैं। तो त्रिपुरा में डबल इंजन लेके वहाँ के युवा क्या करेंगे जब वहाँ उनके पास रोजगार ही नहीं है? आपको थोड़ी सी जानकारी करेक्ट कर दूं कि त्रिपुरा के युवा बंगाल जाते जरूर है, लेकिन अगर नौकरी अगर उनकी पहली पसंद है तो बेंगलोर है, चेन्नई है। आपकी जानकारी हम दुरुस्त कर दे, बंगाल में हम पैदा हुए हैं सर और कोलकाता के हैं हम, तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें। चलिए हम आते हैं अनुमा आचार्य हमारे साथ, अनुमाचार्य प्रवक्ता कांग्रेस की, आती हूँ आपके साथ, आप आती हूँ आपके पास। विंग कमांडर अनुमाचार्य, आज जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा है घुटने टेकने वाला भारत पहले था, फैसला नहीं ले सकने वाला भारत पहले हुआ करता था, भ्रष्टाचार करने वाले देशों में शुमार था भारत, लेकिन मोदी के कार्यकाल में 9 साल में भारत आकांक्षाओं का देश बना है और अब छलांग लगाने के लिए तैयार है, छलांग लगाने वाला देश बना है, खुद को स्थापित करने वाला देश बना है। ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोशिशों के बावजूद। ऐसे में एक बार फिर से भाजपा त्रिपुरा में वापस से सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस इस बार, क्योंकि कांग्रेस वामपंथियों के साथ वहां गठबंधन में है। आप लोगों की क्या तैयारी है नॉर्थ ईस्ट के लिए अनुमाचार्य? प्रीति जी, पहली चीज तो आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? बिल्कुल आ रही है। नमस्ते अनुमा जी, कैसी हैं आप? सब तो अब सुनिए, मैं अच्छी हूँ और आवाज अगर अच्छी नहीं भी आ रही होगी बिल्कुल बुलंद आ रही है, बुलंद है आपकी आवाज, एकदम बुलंद है। नारी शक्तियों की आवाज कहीं कम होती है, आप बोलिए। मैं अगरतला में बैठी हूँ तो जो लोग स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हैं उनके लिए, आपको नहीं कह रही हूँ, एंकर के अलावा जो बाकी लोग हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ ग्राउंड रियलिटी मैंने खुद देखी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़े बड़े वादे किए, जो अभी आपने बहुत सारे ऐसी चीजें बोली ना जो लफाजियों में काउंट की जाती है, क्योंकि भारत हर उस पैमाने पर नीचे गया है। ये बीच में अगर बोलने का रिवाज है तो मत बोला, कोई मतलब नहीं बोलने दीजिए। अगरतला से बड़ी 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 मुश्किल से आई है, ठीक है कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, मैं जानती हूं आप अगरतला में, लेकिन बोलने दीजिए। अगर बीच में बोलने दीजिए, डेविड जी
करना है या नहीं करना है, मुझे सीधी सीधी बात बताइए। डेविड जी, डेविड जी, नहीं करना है तो ये लोग जो हरकतें कांग्रेस के प्रवक्ता को बोल लेने दीजिए। अपनी बात शांति के साथ अपनी बातों को रखिएगा। अगर बीच बीच में अगर आप बोलेंगे, सुनिए अभी प्रीति जी मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने केवल यहाँ बाइक वाहिनी और हेलमेट वाहिनी जैसी गुंडाई शुरू की है, और इसी गुंडाई पे अगर ये सोचते तो जीतेंगे तो ये बहुत ही गलत फहमी में है, क्योंकि ये राज्य में साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है, और जहां जहां लोगों की साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है, जैसे हिमाचल प्रदेश जहां इन्होंने कहा था बीजेपी ने हम ड्रग पार्क बनाएंगे, यहां त्रिपुरा में ये कह गए कि हम बैंबू पार्क बनाएंगे, पिछली बार का चुनावी भाषण रबर पार्क बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। लड़कियों को कहा कि फ्री एजुकेशन होगी। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल अनुमा जी क्योंकि आप डिफेंस से आती हैं, तो मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा मन कर रहा है मैं आपसे एक सवाल पूछूं। जी जरूर पूछे। एंटी इनकम्बेंसी तो अलग बात है, लेकिन इंसर्जेंसी से जिस तरीके से कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में लड़ाई की है इंसर्जेंसी से, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जितनी सतर्क ये सरकार भाजपा की रही है, उतनी कांग्रेस कभी भी सजग इंसर्जेंसी के लिए कभी नहीं रही, इसे आप मानती? देखिए एक बात सुनिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं मानती मैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में भी आपको अगर राजीव गांधी जी याद हो तो उस समय जो समझौते हुए थे और उस समय इंसर्जेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। लेकिन आप यहां देखिए त्रिपुरा में नशा बढ़ा है, जो कि बीजेपी के हर राज्य का एक लाक्षणिक गुण है। मध्य प्रदेश से आती हूँ, वहां इस कदर नशा है, हिमाचल में वो बढ़ा रहे थे। तो जिस जिस जगह बीजेपी की सत्ता होती है वहां नशा बढ़ने लगता है। बेरोजगारी तो खैर उसकी बात ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहकर गए थे कि त्रिपुरा को जितने नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं उनका लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे, वो भी नहीं बनाया उन्होंने। तो कुल मिला के जितनी लफाजियां थी, विप्लव देव 28 विभाग एक साथ रख के बैठे थे। सेंट्रलाइजेशन इनका दूसरा लाक्षणिक गुण है, और उसके कारण ये कुछ नहीं कर पाते। वादे बड़े बड़े करते हैं, विभागों को विप्लव जी मस्ट बी रनिंग 28 डिपार्टमेंट बट ही इज रनिंग द गवर्नमेंट वेरी स्पोर्टेड मैनर। कोविड के जमाने में आप जानते हैं यहाँ जमीन पे जो स्थिति है, विप्लव देव को चुनाव तक नहीं लड़ाया जा रहा है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? बहुत सीधी सीधी बात है जो है वो दिख रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि आप बीच बीच में टोक कर अपनी बात कहकर कुछ ज्यादा बता देंगे, तो अभी त्रिपुरा की जनता आपको बताएगी कि आपने क्या किया है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर पहले हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं। जिया मंजरी, त्रिपुरा को लेकर के कितनी सजग सरकार है, क्योंकि अब तो दिख रहा है कि जो नई पार्टी है आदिवासियों की, टीपरा मोथा, ये भारी पड़ेगी रूलिंग पार्टी भाजपा पर। कितनी तैयार है बीजेपी? जी देखिए, पिछली बार भी जिस हिसाब से आंकड़े आए थे तो बीजेपी कमज़ोर तो नहीं थी, लेकिन हाँ डेफिनेटली इस बार जो आदिवासी मोर्चा एक नया पार्टी आई है, तो आदिवासियों की सीट वहाँ पे 20 सीटें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बार थोड़ी और ज़्यादा ताकत से काम करना चाहिए बीजेपी को, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर लोकली और स्ट्रांगली काम नहीं किया तो शायद कुछ हानि उठानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि तैयार है और देखते हैं आगे क्या होता है। जी ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिश्रा जी हैं, लगातार हाथ उठा रहे। विंग कमांडर अनुमा आचार्य से आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? मुझसे पूछेंगे, क्या कह रहे, किनसे पूछना है? अनुमा जी से पूछना है, कांग्रेस के प्रवक्ता से है। कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा जी हैं, अनुमा जी हैं, पूछिए उनसे, बोलिए सीधा सीधा। अनुमा जी आपको आवाज आ रही है? स्टूडियो में है और ग्राउंड पे है। अनुमा जी अगर तल्ला में है, हाँ ठीक है, अगली आवाज होगी। पत्रकार है हमारे साथ वरिष्ठ मिश्रा जी, आपकी आवाज पे जो लोग हैं उनसे यही सवाल है। हाँ। कि वो 60 विधानसभा की सीट वाले स्टेट में 13 सीटों पे मात्र क्यों लड़ रहे हैं, और उन्होंने अपना रेफरेंस दिया कि वो मध्य प्रदेश से है, तो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को अगरतला क्यों जाना पड़ रहा है? और साथ में एक रेफरेंस देना चाहता हूँ कि जितना मध्य प्रदेश का एक जिला है, त्रिपुरा की उतनी आबादी का पूरा स्टेट है, और उस स्टेट में अगर आप विकास की बात करती हैं तो 11,000 करोड़ रुपए का सिर्फ रोड बना है। अगर जहां सड़क पे चल रही होंगी एनएच पे तो दिखाई देता होगा। मात्र 13 सीट पे लड़ने वाले कम से कम ये दावा ना करें कि वो जमीन पर खड़े हैं, उनको कम से कम इतना देखना चाहिए
कि जिस पार्टी का वो सीपीएम का विरोध करते रहे हैं, आज अपनी साख बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए सीपीएम जैसे दलों से समझौता करना पड़ रहा है। जवाब भी ले लीजिए अनुमा जी, अनुमा जी सुन रही हैं आप। बंगाल का भी इनको देखना चाहिए। आप बंगाल से एंकर महोदय, बंगाल में सीपीएम जवाब देंगे, प्रियंका राणा जवाब देंगे आपके सवाल का। मिश्रा जी, संदीप राय बर्मन जो अगरतला से हैं, जिनसे आप सवाल पूछ रहे थे, वो अगरतला में ही हैं और वो 1998 से आज तक कोई भी इलेक्शन नहीं हारे हैं। 2018 में बीजेपी में चले गए थे लेकिन बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस वापस ज्वाइन कर ली है। पहले भी जो बीजेपी थी, बीजेपी हमेशा से जोड़ तोड़ की राजनीति में रही है। पहले भी कांग्रेस से या सीपीआई से जो नेता थे टूट करके गए थे बीजेपी के अंदर और तभी सरकार बन पाई थी, लेकिन वही नेता आज वापस उन्होंने अपनी पार्टियां ज्वाइन कर ली हैं, तो आपको नहीं लगता है? और दूसरा, विप्लव देव की बात हो रही थी, विप्लव देव को वो आरएसएस से थे और इसके अंदर अंतर क्लय हुआ, बीजेपी में ये विरोध हुआ कि भाई ये आरएसएस के हैं और यहाँ पे इन्होंने जमीनी कार्य कुछ करा नहीं है तो इनको सीएम क्यों बनाया गया? तब जा करके मानिक शाह को बनाया गया था और मानिक शाह, खैर उनकी इमेज अच्छी है, मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर हैं, इमेज अच्छी है, लेकिन एंटी इनकम्पेंसी है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और जिस तरह से वहाँ पे ट्राइबल फैक्टर है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं प्रद्युत और वो बहुत ही स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड है, उनकी एक इमेज है। मैडम, मैडम, I'll let you know for your information. We have also the royal icon with us, Honorable Jishnu Devarma ji, who also happens to be Baris BJP karyakarta, Baris BJP ka neta hai, Jishnu Devarma ji, wo bhi royal family se hi hai. तो आप अपना इन्फॉर्मेशन अप टू डेट कर लीजिए, अपडेटेड कर लीजिए। और किस तरह के एंटी इनकॉन्वेंसी का बात करें आप? संजय मिश्रा जी को बात को जोड़ते हुए ये बात बोलना चाहूंगा, एंटी इनकॉम्बेंसी का बात करने वाले लोग 25 साल जो सीपीएम का पीछे नारा लगा रहा था, ठीक है ना, सीपीएम जब देश बर्बाद कर ले, देश को लूट के खत्म कर दिया, आज के डबल इंजन सरकार आने के बाद जनजाति के लिए स्पेशल पैकेज से लेके मोदी जी अपना 1300 करोड़ रुपए एडीबी के माध्यम से दिया है, एडीसी गवर्नमेंट को जिस तरह से सहायता हो रहा है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँ, एडीसी इलेक्शन में आप बोले कि बीजेपी सीट नहीं जीते, बीजेपी सारा जीते है, जो हमारा गठबंधन साथ है आईपीएफ से, उन्होंने हारा है, हमने सारी सीटें जीते हैं। You need to update yourself. Let me remind you the misspoke person, wing commander madam. आप अगरतला में हैं, आ जाइए चोरीलाम में, you come and visit the चोरीलाम constituency, you will see the progress of the Tripura progress, you see the national highway, lot of the national highway, you see the Vidyajyoti school, how the educational infrastructure has been turning up into the transformation, you see the hospital system, Biplab ji, this work, health minister, you see how the health system has been functioned. Biplab ji, one second, madam. कांग्रेस वाले को हमेशा बोलने का मौका मिलता है, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। आप मेरा प्रदेश में आया है, We're talking about Tripura politics today. बोलिए अनुमा जी, बोलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, इग्नोर कर दीजिए। मैडम, एक बात सुन लीजिए, और मैं क्या बोलूं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को बोलने का मौका ही मिला, आप तो कहां मौका देते हैं, आप लोग तो हल्ला मचाते हैं। ठीक है, अब जरा संयम के साथ सुनिएगा अनुमाचार्य क्या कहती हैं, वो ग्राउंड जीरो पे क्या देख रही हैं, आदिवासियों की क्या स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ है वहां। अनुमाचार्य, आप बोल पाएंगे, आपकी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज आपको आ रही है? लीजिए आवाज ही सुन लीजिए, क्योंकि ये बार बार कनेक्टिविटी का यहाँ इशू है अगरतला में, जहाँ बहुत सारा विकास हुआ है जी। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि कर्मचारियों से कुछ खास किस्म का, बीजेपी को कर्मचारियों से भी प्रॉब्लम है, युवाओं से भी प्रॉब्लम है, महिलाओं से भी प्रॉब्लम है, 6 लाख युवा रजिस्टर्ड है जो बेरोजगार है,
और जो कर्मचारी हैं उनको सेवेंथ पे कमीशन का कोई भी लाभ नहीं मिला है, इनके अधूरे लाभ है और उसके अलावा डीए नहीं दिया है। महिलाओं की जहां तक स्थिति की बात है तो यहाँ 26 गैंग रेप हुए हैं। You better get your updated yourself. 20% is दिया, आप देखिए recently एक डीए दिया हुआ है। The DA recently also, you must go through the recent budget and recent statistic of the Tripura economic. Need to आप दिल्ली से चल जा, फ्लाइट पकड़ के आ जाते हैं। डेविड अगर एक बात एक पहले तमाम मिला के बात है, मेहमान जितने हमारे हैं आप एक बार सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग सब दूर दूर बैठे हैं, इंटीरियर्स में बैठे हैं, आपकी आवाज डेविड त्रिपुरा आप एक दूसरे को जितना सुनने की कोशिश करेंगे आपकी बातें एक और बात एकदम साफ एक छोटी सी बात है, मत बीच में किसी को भी। अनुमाचार्य बोलिए प्रीति जी एक छोटी सी बात और बोलूंगी। त्रिपुरा के ये राज्य की बात कर रहे थे, देव बर्मन साम्राज्य की और राजवंश की बात कर रहे थे। बीजेपी ने ये तक प्रॉमिस किया था कि हम इतिहास में जो त्रिपुरा के जो लोग हैं उन जो राज कथाएं हैं उनको हम इतिहास में जगह देंगे। मतलब मुंह खोलने की तो बात है, चमड़े की जुबान है, हिला देते हैं। जनाधार ना होते हुए भी इनकी सरकार बनी थी। लेकिन आज मैं मिश्रा जी को मुखातिब करके कह रही हूँ, मिश्रा जी आ जाइए यहाँ पर और सिर्फ 3-4 किलोमीटर के एरिया में देखिए। ये मैं मिश्रा जी को आह्वान कर रही हूँ कि आइए यहाँ पर और 4 किलोमीटर के एरिया में आप चल कर देखिए, आपको पता चलेगा कि त्रिपुरा के लोग बीजेपी से संजय मिश्रा को सुन लीजिए। क्योंकि उन्होंने नाम लिया है मेरा, पहले तो अभी भी डिबेट में आए तो आगे से जानकारी दुरुस्त करके आए। लंच से ब्रेक से पहले इन्होंने बोला कि हाईएस्ट नशे का कारोबार त्रिपुरा में, अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ना लिखना चाहते हैं तो पिछले जो सत्र था संसद का उसका डाटा उठाए, होम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड बोला है संसद में, अगर किसी भी देश में किसी भी राज्य में अगर ड्रग्स का हाईएस्ट सीजर होता है तो वो त्रिपुरा में हुआ है। ड्रग्स का हाईएस्ट सीजर त्रिपुरा में हुआ है, त्रिपुरा में मिसाल का लिखा है। कौन सा फेक डाटा लेकर बोलते हैं राहुल गांधी? अगर आप मेरा नाम लेकर बात करेंगे तो मैं आपको नाम लेकर जवाब दूंगी। अगर आप मुझसे प्रधानमंत्री का सम्मान जरूरी है किसी पार्टी की तरह नहीं, या अगर आप पार्टी के पत्रकार के देश में बैठे हैं तो ये आपको सोचना है, ये मुझे नहीं सोचना है मिश्रा जी। अगर आप पार्टी प्रवक्ता बन के बैठे हैं और पत्रकार नहीं है तो ये आपको सोचना है, ये मुझे नहीं सोचना पड़ेगा। ये मुझे नहीं सोचना, ये आपको सोचना है कि आप पार्टी की पैरवी कर रहे हैं या पत्रकार बन के बैठे हैं। नाम लेकर तो बोला, इसलिए बोला मैंने ये बात कि आप एक तरफा बात नहीं कर सकते। डेविड जब आप मत कहते हो आप सबके पास, आप सबके पास आती हो। अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज, मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं अगर आपको जवाब दूंगी तो क्या प्रॉब्लम है? पार्टी के सदस्य हैं संजय मिश्रा और अनुमाचार्य, थोड़ा संयम रखिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। विंग कमांडर अनुमाचार्य और संजय मिश्रा प्लीज मुझे सवाल पूछिए। संजय जी प्लीज सवाल लेने दीजिए। आपकी तो इज्जत की गई थी, क्या आपको अपनी इज्जत नहीं समझ? ठीक है अनुमाचार्य, मैं आपके पास आती हूँ, आपके पास आती हूँ। आपने आप अभी ग्राउंड जीरो पे हैं, आपसे मैं सच्चाई लूंगी। लेकिन पहले हमारे साथ बीजेपी के नेता है डेविड देव वर्मा जी है हमारे साथ। डेविड आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है? आप क्या मुझे बताएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रिपुरा में कितना विकास हुआ है, जहां से रोजगार सृजित होता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती है, बताएंगे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना काम हुआ है? आई लाइक टू टेल ऑल द व्यूअर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन गवर्नमेंट हियर, वी हैव कम अप विद हमारे व्यूअर्स हिंदी भाषी हैं, सॉरी सर, हम लोग ये भाजपा का सरकार बनने के बाद इस प्रदेश में जिस गति से प्रगति इस प्रदेश में विकास हुआ है, आप देखिए, टॉकिंग अबाउट द नेशनल हाईवे, टॉकिंग अबाउट द स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉकिंग अबाउट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पहले मैडम आप बोल रहे थे कैलकाटा में जाके काम करना होता था, वो 20-25 साल पहले होता था। आज का दिन में हमारे यहाँ कॉलेजेस हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज हो रहे हैं, एंड वी आर कमिंग विद वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस, एंड आवर यूनिवर्सिटीज आर कमिंग अप विद वेरी रिपोर्टेड टीचर्स एंड वेरी गुड टीम्स,
And today is, we are not only talking about the employment generation. Today we are talking about also the participation in the governance. और महिला हमारे जो विंग कमांडर मैडम बोल रहा था कि अगरतला में बैठ के, ठीक है, असली में तो उसको विषय उसको कुछ मालूम भी मैडम को कुछ मालूम ही नहीं है इस प्रदेश में क्या हो रहा है। आप अगरतला से बाहर आइए, अगरतला से बाहर जाके चरिलम विजिट कीजिए, आधा घंटे का डिस्टेंस पे है आपका चरिलम, ठीक है। आप आज आके विकास देखिए, अगरतला सोचिए तो क्या बात कर रहे हैं, केवल जुमलों की बात कर रहे हैं। अगरतला में राजधानी में साफ पानी बोल रहे हैं मैडम, नेशनल अगरतला में जरूरत नहीं। आप जनाब, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। मैं आपको बता दे तो रायना वैली में आ जाइए, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ त्रिपुरा। मैं यहाँ बैठूंगी यदि ना बोलूँ, ये चाहते क्या है? जिस तरह से पूरे लोगों को ये आवाज बीस साल पुरानी बात है, जब लोग त्रिपुरा से नौकरी करने कोलकाता जाया करते थे। मैं आपको बता रही हूँ डेविड, थोड़ा त्रिपुरा से बाहर निकलिए। हमारा मिनिस्ट्री में था, मैं कह रही हूँ कि पार्टी पूछिए उसने अपना समय में क्या किया है। पार्टी ऑफिस से बाहर निकलिएगा तो आपको पता चलेगा, आप खुद युवा हैं, मुझे लग रहा है ज्यादा उम्र होगी नहीं आपकी। पार्टी ऑफिस से जरा बाहर निकलिएगा तो आपको पता चलेगा कि आज भी स्थिति जो 20 साल पुरानी थी, आखिर 20 साल पुरानी बात बता रहे हैं आप। मैं आपको बहुत सामने की बात बता रही थी, 2-3 साल पुरानी बात बता रही थी, कोविड के पहले पहले की, लेकिन आप कह रहे हैं ये 20 साल पुरानी बात है। तो आप पार्टी कार्यालय से बाहर निकलिएगा और युवाओं के साथ बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो युवा हैं वो कोलकाता पर डिपेंडेंट है। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, आप इसे भाग नहीं सकते, और ये सच। आई ऑल्सो वेंट टू स्टडी इन चेन्नई, आई ऑल्सो स्टडी इन शिलांग। एजुकेशन एक्सपोजर के लिए नॉर्थ ईस्ट में अभी भी किसी को अगर कैंसर हो जाता है, डेविड देवर्मा आप सुन तो लीजिए तभी जवाब दीजिएगा ना, नॉर्थ ईस्ट में अभी भी किसी को कैंसर हो जाए तो सबसे पहले वो वहां से निकलकर कोलकाता के हॉस्पिटल्स पर डिपेंड होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे साथ प्रियंका राणा भी है, स्टूडियो में मौजूद है। प्रियंका राणा, आदिवासियों से क्योंकि आप देखिए एक ग्राउंडिंग तैयार हो रही है। आपने, मैंने अभी आपको बताया कि प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मन की नवगठित जो पार्टी है तीपरा मोठा, वो हावी होने वाली है। तो कांग्रेस अपनी तरफ से आदिवासियों को त्रिपुरा में साधने के लिए क्या कर रही है? बीजेपी तो लगी हुई, आप देखिए आज से जो विजय संपर्क रैली थी उसकी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस क्या कर रही है, कैसे साधेगी? अगर टारगेट है आदिवासी, विकास हुआ या नहीं हुआ तो कांग्रेस साधे ना। देखिए बिल्कुल कांग्रेस को साधना पड़े, बोलिए प्रियंका जी। और देखिए लेफ्ट वहां पे पहले से काफी मजबूत रही है, 25 साल उसने वहां पर रूल किया है, तो दोनों ही अब एक साथ आ गए हैं। हालांकि चैलेंज तो है, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, लेकिन वही मैं फिर दोबारा से बोलना चाहूंगी, एंड इन कंपेंसी और अंदर क्लैश जो इनके अंदर बीजेपी के अंदर जो अंतर क्लैश चल रही है वो बहुत कैसे साथ लेगा आदिवासियों को? आप तो कह रहे हैं ठीक है, चलिए आपने आरोप लगाए कि भाजपा ने आदिवासियों को भला नहीं किया, आप कैसे भला करेंगे बताइए? अभी कितनी सारी चीजें, अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उन्होंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे ही ट्राइबल्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो वहां पर पूरे नहीं हुए हैं, जो वो वहां से नाखुश हैं। और क्यों वहां से बीजेपी से छोड़ करके, जब एक गवर्नमेंट बनी हुई है, आप सोचिए किसी भी एक रूलिंग पार्टी को छोड़ करके लोग वापस अपनी पार्टी के अंदर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं और वो ना खुश हैं, तो इसीलिए वो दूसरी अपनी पार्टी में वापस जुड़ रहे हैं। और ये पहले बीजेपी ने जब सरकार बनाई थी तब भी ऐसे ही था, तब अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो विरोध हुआ था वो इसलिए हुआ था। मेरा प्रश्न है कि लास्ट टाइम कांग्रेस ने कितनी सीट्स ली थी? कांग्रेस की प्रवक्ता इसका जवाब दे, कितनी सीट चाहिए थी कांग्रेस की? देखिए लास्ट टाइम हमारी सीट नहीं थी, हमारा वोट परसेंट 2% पर गया था, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? और उसके बाद आप कहते हैं कि लास्ट 25 सालों से लेफ्ट वहां पे बहुत स्ट्रांग था, तो आपने, और फिर कहते हैं 20 साल पूर्व तक स्थिति बहुत खराब है और अभी भी स्थिति बहुत खराब है, तो 25 सालों से आप क्या सो रहे थे? आपने क्या वहां पे डेवलपमेंट किया?
आप बोलते हैं लेफ्ट स्ट्रॉन्ग था, लेफ्ट ने क्या डेवलपमेंट किया? जी हाँ, पहले ऐसा नहीं था, पहले ये इसलिए नहीं टूटे थे। आप ये देखो बीजेपी ने कैसे जोड़ तोड़ करके राजनीति होती है सब जगह। टूट के क्यों गए थे? कांग्रेस इसलिए टूट के गई थी क्योंकि कम्युनिस्ट जो थे उनके एंटी थे, वो हमेशा से उनके विरोध में पार्टी करते रहे थे, इसलिए टूटे थे। और वो वापस आ चुके हैं, अब वो सारे मिल चुके हैं। इस चीज को आपने देखना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक जिया मंजरी हमारे साथ स्टूडियो में। उन्होंने पूछा कि पिछली बार कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी जब आप पहले भी खराब स्थिति में थे त्रिपुरा में, तो आज भी आप खराब स्थिति में हो, सुधार हुई ही नहीं है, फिर आप कैसे दावा करते हैं कि आप इस बार जीतेंगे? देखिए, यहाँ पर एक तो एंटी इनकम्बेंसी इसलिए है क्योंकि इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने वही जुमले बोले और उसके बाद हिंसा बढ़ाई है। ये जो अभी कोई कह रहे थे कि यहाँ पर जैसे नक्सलाइट मूवमेंट को बड़ा अच्छे से ये किया, यहाँ पर हिंसा बढ़ी है। नक्सलाइट मूवमेंट है इस प्रदेश में, कोई भी रिकॉर्ड आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, कांग्रेस का वोट परसेंटेज सुदीप बर्मन जी के वापस आने के बाद वापस आया है और वो जीते हैं अभी भाई इलेक्शन से। तब से कांग्रेस का जो प्रभाव है वो बढ़ा है। आप मेरे को बात कर लेने जी, ये देखिए, मैं जवाब सवाल मुझसे पूछा गया है, लगता है आपस की मिली भगत है, सामने दिख रही है कि जो राजनीतिक विश्लेषक के नाम पे कोई सवाल पूछ रहे हैं और जवाब जो है बीजेपी के प्रवक्ता बीच में। कम से कम सभ्यता सीखिए आपकी, जब सवाल जिससे पूछा जाए तो बिल्कुल शांत हूं, आप मुझ पे क्यों आरोप लगाती है हर बार? सभ्यता बहुत हंसी आती है, बात करने दीजिए मुझे। समय कम है। ठीक है, डेविड, एंटी इनकम्बेंसी है आपसे, आदिवासी डेविड ही बात कर रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि इनको बोलने नहीं, आपकी आवाज पूरी आ रही है। आपने जितने सवाल और जवाब आपने जितने दिए, हम सब ने आपके सवालों को सुना और उसी सवाल से ही हम भी सवाल निकाल के पूछ रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। प्रियंका राणा यहाँ बैठी है, इनको चुप करा के आपकी आवाज ले रही है। बोलिए, बीजेपी का विकास है ना यहाँ, तो रूलिंग पार्टी है तो सवाल उन्हीं से बनता है ना। फिर आप ही लोग बोलिएगा कि बताइए, जो रूलिंग पार्टी है उनसे सवाल नहीं पूछती है। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, डेविड वर्मा जी, आप ये बताइए कि आप आदिवासियों को कैसे साधिएगा, रूठे हुए हैं मनाइएगा कैसे? नई पार्टी भी आ गई है, आप टीपरा मोथा रूठे हुए है आदिवासी, आप लोगों से रूठे हुए हैं। हमारा कौन प्रमोथा के साथ रूठा हुआ है? हमने कब रिश्ता बनाया तिब्रा मोथा के साथ? उठा हुआ रूठना मनाना हमारा काम तो नहीं है, ये मनाना। वो अपना इंडिपेंडेंस समाज में, उस समाज से आता हूँ मैं, जनजाति समाज से आता हूँ। आई एम बीजेपी कार्यकर्ता। आई केम फ्रॉम द देवरमा कम्युनिटी, तो आई एम नॉट फ्रॉम द रॉयल फैमिली, आई एम ऑल्सो देवरमा कम्युनिटी। आई एम आई एन अर्न द राइट टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ माई स्टेट एंड माई लैंड, नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा। डेविड जी, आपने क्या त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के तमाम आदिवासियों का ठेका लिया है कि आप बोलेंगे तो वही लकीर की फकीर है? आप अपनी बात कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं आप? I came from the ST community. आपने कैसे बोला? आपने ये कैसे बोला कि मैं कहा नाराज हूँ? अरे आपकी बात कौन कर रहा है? आप तो घी में है, मलाई में है, बीजेपी में है और नेता बन के बैठे हैं। आप मैं तमाम उन आदिवासियों की बात कर रही हूँ। गुड शो। ठीक है, संजय मिश्रा जी, गांधी जी आप बोल नहीं पा रहे, संजय मिश्रा बोलिए। संजय मिश्रा जी बोलिए, कैसे मनाएगी पार्टी, कैसे मनाएगी? मैं कह रही हूँ कि जो आदिवासी हैं, जो आपसे रूठे हैं, त्रिपुरा मोथा को बनाने के कैसे मनाएगी? आप ध्यान से सुनिए, बोलिए। त्रिपुरा मोथा के जो चीफ है प्रदीप देव वर्मा, कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी माँ कांग्रेस से सांसद थी, तो लॉस तो कांग्रेस का, इसमें भाजपा का कहाँ से लॉस आ गया? ये जो राजनीति में कई बार अंकगणित काम नहीं करता है, दो और दो चार नहीं होती है, केमिस्ट्री काम करती है। इसलिए आप लोगों को राजनीतिक केमिस्ट्री सभी नहीं चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, कांग्रेस तो वहाँ जमीन पे नहीं है, 13 सीटों पर मात्र लग रही है, लड़ रही है। और ये मैडम जी बोल रही थी कि अगरतला में पानी है, बीजेपी और आरएसएस का वहाँ पर अपना कोई वोट बैंक था क्या?
वो कहां से आया था ये बता दीजिए मुझे। पूरे 51 साल में 25 साल सीपीएम ने 30 साल रूल किया, उसके बाद पहले 25 साल के बाद बीजेपी कैसे आई थी, इतना समझाइए बस मुझे। और पानी की बात कर रही है मैडम, आप ज्यादा समझ लीजिए पानी का, आपको अपना होमवर्क क्या करें आप लोग स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता खास तौर से। मिश्रा जी आपको 2018 से पहले पत्रकार के नाते बोले, अगर आप पार्टी के प्रवक्ता है पार्टी के प्रवक्ता बनकर आइए, आपको समझ में आई बात? आपको इतना ज्यादा ऑप्शन है कांग्रेस से कि आप कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, आप पत्रकार के रोल में बैठे। मिश्रा जी हिमाचल का हाल देखा था, इस देश में सबको बोलने का अधिकार तो है ना, सिर्फ कांग्रेस का प्रवक्ता को बोलने का अधिकार तो नहीं है, आप कैसे बोल देश में, इस प्रदेश में, भारत प्रदेश में लाइक है। वेरी गुड, मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक पत्रकार समय कम है फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, होता है समय कम है प्लीज समय कम है, हमें फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा। शुरुआत जी मंजरी से, पिछली बार भी बीजेपी की 35 सीटें थी और आईपीएफटी की 8 सीटें थी जिसमें मेजोरिटी बीजेपी की दिख रही है, और अब इस समय भी कांग्रेस उस समय भी निल थी और इस समय भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं है पूरे देश में, तो कांग्रेस को मुझे लगता है ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस इलेक्शन में। जी ठीक है, प्रियंका राम देखिए, पहले बीजेपी की सरकार आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि जो आपके लेफ्ट के नेता थे और कांग्रेस के जो नेता थे वो बीजेपी में चले गए थे, अब लेकिन वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अंतर्कलह चल रहा है, विप्लव देव को हटाया गया, मानिक सरकार को बनाया गया, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोग उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे और इसी की वजह से आज बीजेपी इसका जो है रिजल्ट आएगा और बीजेपी को काफी नुकसान होने वाला है, ये आप आगे त्रिपुरा के इलेक्शन में देखने वाले हैं। संजय मिश्रा देखिए, नुकसान तो हम लोग रिजल्ट आएगा 3 मार्च को उस समय डिस्कस करेंगे, अभी तक की स्थिति में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी रहेगी, या कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है उनको व्यक्तिगत आग्रह है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि राज्य में के बारे में कुछ भी अगर डिस्कशन करने आए आगे से कम मेरे को व्यक्तिगत फोन कर ले, मैं उनको डाटा दे दूंगा कि कब स्टेट की क्या स्थिति थी, सामने कभी चलेंगे। और मैं जरूर कह रहा हूँ कि कांग्रेस का एक सीट से आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है और सीपीएम के साथ गठजोड़ के साथ भी स्थिति कोई सुधरने वाली नहीं है। हाँ मोथा जरूर है, अच्छा प्रदर्शन करेगी, उसमें जमीनी हक ठीक है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका नुकसान भी डेविड देखिए एडीसी में भी हम लोग ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अगले जो चुनाव है हमारा 3 जो चुनाव हो रहा है उसमें भी हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और हम सरकार बनाएंगे। भाजपा का सारा कार्यकर्ता जनजाति बेल्ट में, हम लोग 15 सीटों में लड़ रहे हैं, 5 सीट में आईपीएफटी लड़ रहे हैं, हम 15 सीट में हम लोग विजय दाखिल करेंगे। ये कांग्रेस वाले को असली में कुछ इस विषय का ग्रास रूट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग, उन लोग को मालूम है त्रिपुरा में कोई नक्सलाइटी नहीं है। आपको हर एक चीज में बता देता हूँ, जो हमारा इस प्रदेश में एक्सट्रीमिस्ट का जो प्रॉब्लम था एनएलएफटी का, समय नहीं बचेगा अनुमाचार्य जल्दी से अपनी बात छोटे शब्दों में। प्रीति जी मेरा ये कहना है कि बिना जनाधार के बीजेपी ने ऑपरेशन कीचड़ करके सरकार बनाई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए इस बार कांग्रेस और सीपीआईएम मिलकर सरकार बनाएंगे और पत्रकारों को पत्रकार होना चाहिए। प्रीति जी मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ, यहाँ दूसरे पत्रकार बैठे वो सत्ता चारण है, उनको मुझसे अपने डेटा लेकर बात करना चाहिए, ऊट पटांग वहां बैठ के कुछ कहना नहीं चाहिए, सरकार यहाँ उसी की बनेगी। और मैं चूंकि फौज से आती हूँ झूठ नहीं बोलती, हिमाचल में मैंने सारे पोल खारिज। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस इंपॉर्टेंट और प्राइम टाइम डिबेट में कि आखिर क्या होगा आने वाले चुनावी समय में, क्योंकि अब चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी महीना भी है और इसी महीने 3 राज्य होंगे पूर्वोत्तर के जहां पर चुनाव होने, और ऐसे में वहां किस सरकार का बिगुल बजेगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी अभी से और कांग्रेस तमाम क्षेत्रीय पार्टियां अभी से अपनी जी जान झोंकने में लगी हुई है, देखने वाली बात होगी। और साथ ही 2024 में, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये ट्रेलर है, असली पिक्चर 2024 में होगी,
ट्रेलर में ही क्या होता है उसमें सब कुछ पिक्चर क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया का सवाल, प्राइम टाइम टिबेट शो।